इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवार मोह नवं वयं कांतिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। मॉरिशस आर्य विवेद प्रचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत इस अमृत वाणी कार्यक्रम के समस्त दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है ऋषि बोध महोत्सव। आज त्रयोदशी तिथि है और आज ही के दिन हम सभी आर्यजन ऋषि दयानंद जी का बोध उत्सव मनाते हैं, अर्थात ऋषि का तात्पर्य यहाँ ऋषि दयानंद से हैं और बोध का अर्थ होता है ज्ञान। अगर हमें बोध शब्द को समझना है तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार हमें यह देखने को मिलता है कि पाणिनि जी लिखते हैं कि बुध अवगमने धातु से बोध शब्द की सिद्धि होती है जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा यथार्थ ज्ञान, और अवगमन का अर्थ होता है इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए अविद्या को दबाते हुए जीवन में आगे बढ़ना, और यही अर्थ हम बोध को भी के लिए भी कर सकते हैं। बोध अपने आप में एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य शरीर में जो आत्मा है उसको एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम अपने इंद्रियों से जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को हम अपने चित्त तक पहुंचाते हैं और चित्त उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचाती है, और आत्मा हमेशा उस ज्ञान को उस विद्या को स्मरण करती है। अतएव बोध युक्त आत्मा हमेशा अविद्या से दूर रहता है, उसमें विद्या की ही भंडार रहता है, अविद्या से वो दूर रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये बोध की शक्ति हम सभी लोगों में विद्यमान है, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें बोध की शक्ति नहीं है। हाँ, ये है कि हमें उस बोध की शक्ति को जागृत करना है। तो किस प्रकार हम जागृत करते हैं, तो कहा गया है कि सत्संग के माध्यम से, सत्पुरुषों के संग करने से तथा आर्ष ग्रंथों के अध्ययन करने से हमारी आत्मा बोध से युक्त होता है। अतएव ऋषि दयानंद को जो बोध हुआ उस समय वे बाल्यावस्था में थे, किशोरावस्था में थे, और उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि परमात्मा एक स्थानीय नहीं हो सकता है, परमात्मा तो सर्वत्र विद्यमान है, वह सब कुछ जानने वाला है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा की खोज में वह अपना सुख सुविधा पूर्ण जीवन को त्याग करके वैराग्य को अपनाते हैं और जा करके वे सच्चे गुरु के खोज में गुरु विरजानंद जी के यहाँ जाते हैं, जहाँ पर वे व्याकरण आदि आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, और यही बोध की शक्ति है जो उनको जीवन में आगे बढ़ाया। जैसे मैंने पूर्व में समझाया कि अवगमन का अर्थ होता है अविद्या को दबाते हुए गमन, माने जीवन में आगे बढ़ना। तो ऋषि दयानंद जी कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा वे जीवन में आगे बढ़ते ही गए।
क्योंकि उनमें बोध की शक्ति थी। अतः हम भी यह प्रयास करें कि हमें जो बोध है उस शक्ति को हम जागृत करें, तब जाकर के हम अपने जीवन में प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए वेद कहता है बोधश्चत्वा प्रतिबोधश्च रक्षताम, कि यह बोध और प्रतिबोध दोनों हमारे लिए रक्षक के रूप में हैं। बोध अकेला ही नहीं आता है, उसके साथ प्रतिबोध भी आता है। ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसको वहीं छोड़ देना तो ये बोध का फल नहीं है। बोध के बाद उस बोध की ओर अग्रसर होना, उस ज्ञान की ओर आगे बढ़ना ही प्रतिबोध है, अर्थात बोध की ओर जाना ही प्रतिबोध है। तो बोध और प्रतिबोध हमारे लिए रक्षक स्वरूप हैं, इसीलिए हम इस बोध को अपने जीवन में अपनाएं। ऋषि दयानंद जी अपने बोध की शक्ति से पूरे विश्व में आज अमर हुए हैं। अपने जो वेद ज्ञान हैं उन्होंने हम सभी लोगों तक पहुंचाए, अतः यह ऋषि दयानंद की बोध की शक्ति है। उन्होंने अनेक धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर किए और विशेष रूप से महिलाओं के प्रति उन्होंने काफ़ी कार्य किए। उन्होंने माताओं को वेद पढ़ने का भी अधिकार दिया, क्योंकि वेद ज्ञान का भंडार है। वेद में सभी मनुष्यों के धर्म के बारे में बताया गया है, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब वेद में विद्यमान है। और हमारे धर्म में माता को निर्माण करने वाली बताई गई है, और एक संतान का निर्माण एक माँ ही करती है। और जब एक माँ शिक्षित न हो तो वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं डाल पाते हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने कन्याओं के शिक्षा पर बहुत ही बल दिए हैं, और कन्या गुरुकुलों को खोल करके उन्होंने सबके लिए वेद का अधिकार दिया, सबको वेद पढ़ने का अधिकार दिया। और माताएं जब सुशिक्षित होती हैं तो वे अपने बच्चों को सुसंस्कार भी देते हैं। गर्भ में पर रहे अपने संतान का निर्माण वे अच्छे विचारों से करते हैं, और अच्छे अच्छे वेद आदि ग्रंथों का अध्ययन करके वे करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों का निर्माण माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है, और जब बच्चा जन्म लेता है तब भी माँ का विशेष योगदान होता है बच्चे के निर्माण में, और वहाँ पर भी माता शुद्ध उच्चारण, अच्छे विचार और दूसरों को सम्मान देना, नमस्ते कहना आदि सिखलाती हैं, और वेद के माध्यम से वे अपने शिक्षा को अपने बच्चों तक पहुँचाती हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद जी ने कन्याओं की शिक्षा पर बहुत बल दिए, और हमारे शास्त्रों में भी आया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर माताओं का नारियों का मान सम्मान होता हो वहाँ देवता लोग वास करते हैं। कहने का भाव यही है कि माता हमारे लिए पूजनीय है, और जो लोग नारियों का मान सम्मान करते हैं वे दिव्य गुण युक्त होते हैं, वे देवता तुल्य होते हैं। इसीलिए उनको कहा गया है कि वे देवता हैं जो नारियों का सम्मान करते हैं, जो नारियों का सत्कार पूर्वक सम्मान करते हैं वे देवता के तुल्य हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर शास्त्र अनुसार ऋषि दयानंद जी सबको वेद पढ़ने का अधिकार देते हैं, और समाज में भी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में हम लोगों को सचेत कराया, और एक गृहस्थ को आगे बढ़ाने के लिए भी पति और पत्नी का समान अधिकार और सम्मान होना अति आवश्यक है। एक घर में जहाँ पति प्रजापति हैं वहीं पत्नी लक्ष्मी स्वरूपा हैं, और जब दोनों साथ में मिल करके एक गृहस्थ को चलाते हैं तो निश्चित रूप से वह गृहस्थ सुखी रहता है।
मात्र मात्र पति से ही गृहस्थ नहीं चलता है, पत्नी का भी एक अंश होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में पति पत्नी को अर्धांगनी कहा गया है कि वे आधे अंग हैं और एक हो करके वो पूर्ण होते हैं। अतएव यहाँ पर ऋषि दयानंद जी गृहस्थ आश्रम प्रकरण के माध्यम से एवं विवाह संस्कार की विधियों के अंतर्गत महिलाओं को नारियों का एक विशेष स्थान हमें दिखाए, ताकि वे भी समाज के निर्माण में और घर में गृहस्थी को चलाने में वे भी अपना योगदान दे पाए। तो ये सब ऋषि दयानंद की देन है। कल 8 तारीख को हम विश्व महिला दिवस मना रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से श्रेय ऋषि दयानंद जी को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले नारियों के सम्मान के लिए विशेष उन्होंने घोषणा की और आज भी उनके हुए बताए हुए मार्ग पर हम सभी लोग चल रहे हैं। आज ऋषि दयानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमारी माताएं शिक्षित होकर के अनेक ऊंच पद पर अपना कार्य कर रहे हैं, तो ये ऋषि दयानंद जी की देन है। यही बोध की शक्ति है। आज ऋषि बोध मनाते हुए हमें यही प्रेरणा मिल रहा है कि हम हमेशा बोध से युक्त होवें। वेद मंत्र कहता है प्रयंता बोधि दाशुषे। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि जो आत्मा समर्पण करने वाले भक्त हैं वे सत्य के मार्ग पर चल करके बोध से युक्त होवें, कभी भी बोध से अलग न हों। यही बोध शब्द हमें सिखलाता है। आज के लिए इतना ही। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।